पिचकारी से रंग चले लगे जिया पर जैसे गोली, सब रंग रंग जाए मस्त रंग में, मिलकर कहे हम हैप्पी होली। वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। ये रंग का, उमंग का और भंग का त्योहार है होली। होली मतलब ब्रज की होली, होली मतलब राधा और कन्हैया की होली, होली मतलब अवध की होली, जहां सदा शालीन दिखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी होली में जब होली खेलते हैं तो पूरा लोक गा उठता है होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। लेकिन आज ना हम ब्रज की होली की बात करेंगे ना अवध की, आज हम बात करेंगे बिहार की होली यानी फगुआ की। जी हाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश में होली को फगुआ कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बिहार को। जिसने दुनिया को पहला सम्राट दिया, ये भूमि है महावीर की, ये भूमि है बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, और ये भूमि है कालिदास की, ये भूमि है आंदोलन की। यहाँ बुद्ध की बौद्धता है तो चाणक्य की राजनीति भी, यहाँ ज्ञान के भंडार के साथ साथ हर एक बात अनोखी है। इतिहास को अपने अंदर समेटे बिहार इतना खास क्यों है, सबसे पहले शुरुआत इसी से और इसके बाद हम आपको ले चलेंगे बिहार की खास होली में। सार बिहार है और अब अपार बिहार है, ये कर्म भूमि महान की, गंगा की धार बिहार है। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की और कालिदास की। भगवान राम अवध बिहारी हैं। रामायण की चौपाइयों में उन्हें अजर बिहारी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अंगल को मंगल करने वाले भगवान का स्थान। भगवान कृष्ण बांके बिहारी हैं। कुल मिलाकर बिहार का हर अर्थ भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ा है और बिहार के सिर्फ इतिहास को ही देख लिया जाए तो पता चलता है कि कई बड़े सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत बिहार से ही हुई है। बात अध्यात्म की हो या फिर विज्ञान की, दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी सबसे पहले बिहार से ही मिला। बिहार की बौद्धता ज्ञान हमने जाना। बिहार सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि बिहार भावना है, बिहार गर्व है। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं यहाँ की होली में, जिसे हम और आप फगुआ कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बिहार में रंगों का पर्व कैसे मनाया जाता है। बिहार की होली बहुत ही खास है, खास इसलिए भी क्योंकि आज तक हम ब्रज की होली, मथुरा की होली, अयोध्या की होली जानते आए हैं, लेकिन आज हम मनाएंगे बिहार की होली। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं होली या फगुआ कब और कैसे मनाया जाता है। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का, हंसी खुशी का त्यौहार है। होली भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से दो दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार कई अन्य देशों जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहाँ भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं।
ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। फगुआ रंगों का खूबसूरत त्यौहार है। फगुआ के रंग में जो रंग जाता है उसके मन का सारा द्वेष मिट जाता है। फिर यहाँ तो बात बिहार की हो रही है। बिहार जितना अपने अंदर इतिहास, अपने अनोखे अंदाज, पहनावे और खान पान के लिए जाना जाता है, उतनी ही रंगीली और रंग बिरंगी इसकी होली है। बिहार के बाहर देश और दुनिया के कोने कोने में बसे बिहारियों के लिए भी यह पर्व मायने रखता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार को अपने पैतृक घर या गांव में ही छोड़ रखा है। चाहे वे देश की राजधानी दिल्ली में रहते हों या दुनिया के किसी अन्य शहर में रहते हों, होली के अवसर पर वे अपनी मिट्टी को नहीं भूलते। बिहार में होली के अवसर पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यहाँ आम हो या खास, सभी जात पात ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले लगते हैं। होली के त्योहार की दस्तक भोजपुरी गीतों के साथ ढोलक और मंजीरे की आवाज से 15 रोज पहले से ही सुनाई पड़ने लगती है। लोग चाव से घरों से निकलकर टोलियों में गीतों को सुनते हैं और घर में पकाया पकवान खिलाते और फिर रंग डालते हैं। यहाँ होली के मौके पर फगुआ और जोगीरा गाने का रिवाज है। साथ ही कई स्थानों पर कीचड़ की होली भी इस पर्व को खास बनाती है। इसके अलावा होली की खुशी में यहाँ के लोग इस दिन दिल खोलकर डांस करते हैं। साथ ही बिहार की कुर्ता फाड़ होली भी बहुत फेमस है। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। एक बार फिर स्वागत है और आइए एक बार फिर जानते हैं क्यों है खास बिहार की होली। बड़े ही धूमधाम से हर त्योहार मनाया जाता है, मगर होली की बात ही कुछ और है। रंगों के इस त्योहार को लेकर के लोगों का उत्साह देखते बनता है। बिहार में फगुआ का अपना एक अलग ही अंदाज है और ऐसी मान्यता है कि रंगों के इस त्योहार की परंपरा बिहार से ही आरंभ हुई है। वहीं बिहार में जैसे हर एक चीज अनोखी है, वैसे ही फगुआ भी बहुत खास और अनोखे तरीके से मनाया जाता है, वो भी एक तरह की नहीं बल्कि हर तरह की। और चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं फगुआ पूर्णिया की। होली, इसकी परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी परंपरा बिहार से आरंभ हुई है? अनुश्रुतियों पर विश्वास करें तो बिहार के पूर्णिया जिले के धरहरा गांव में पहली बार होली मनाई गई थी। वहां होलिका दहन के दिन करीब 50,000 श्रद्धालु राख और मिट्टी से होली खेलते। यही हुआ था नरसिंह अवतार। पूर्णिया के बनमनखी का सीकलीगढ़ धरहरा गांव होलिका दहन की परंपरा के आरंभ का गवाह है।
मान्यता के अनुसार यही भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और यही होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी थी। यहीं से होलिका दहन की शुरुआत हुई थी। आज भी मौजूद स्तंभ का अवशेष। माना जाता है कि सीकलीगढ़ में हिरण्यकश्यप का किला था। वहां भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे से भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। धारणा है कि उस स्तंभ का हिस्सा आज भी मौजूद है जहां राजा हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। यह स्तंभ 12 फीट मोटा और लगभग 65 डिग्री तक झुका हुआ है। दिए जाते ये साक्ष्य। गुजरात के पोरबंदर में विशाल भारत मंदिर है। वहां लिखा है कि भगवान नरसिंह का अवतार स्थल सीकलीगढ़ धरहरा बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में है। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के 31वें वर्ष के तीर्थांक में भी इसका उल्लेख है। भागवत पुराण में भी माणिक्य स्तंभ स्थल का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि इसी खंभे से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। राख से खेली जाती होली। धरहरा गांव के लोग रंग गुलाल की जगह राख से होली खेलते हैं। उनका कहना है, जब होलिका भस्म हुई थी और प्रहलाद जलती चिता से सकुशल वापस लौट आए थे, तो लोगों ने राख और मिट्टी लगा करके खुशियां मनाई थी। तभी से राख व मिट्टी से होली खेलने की यहां पर शुरुआत हुई। नरसिंह अवतार के इस मंदिर का दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हर वर्ष धूमधाम से होलिका दहन होता है और यहाँ होलिका जलने के बाद ही दूसरी जगह होलिका जलाई जाती है। हिरण्यकश्यप के वध के लिए ऐसा हुआ था, लेकिन उनका होलिका दहन में वध नहीं हो सका, जिसके कारण दूसरा होलिका दहन हो गया और होलिका का वध हो गया, दहन हो गया, जो कि उनका काफी अवशेष अभी भी इस स्थल पर पड़ा हुआ है। हर वर्ष यहाँ जो है होलिका दहन के अवसर पर लाखों करोड़ों के भीड़ में लोग यहाँ मंदिर का जो है दर्शन करने के लिए, नरसिंह अवतार का दर्शन करने के लिए और देखने के लिए, और यहाँ तक कि यहाँ से कई बार हम देखते हैं कि फिल्म में भी कुछ भोजपुरी फिल्म के भी हीरो हीरोइन आते हैं और यहाँ से सीन ले जाते हैं। इलाके के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने इस स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाया है और होली के मौके पर राजकीय समारोह घोषित किया है। कोरोना के कारण नहीं हो रहा था, लेकिन अब होगा, हम लोग उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, हमने दिया है, विभाग को लिख के दिया है, चूँकि 3 वर्षों से नहीं था तो उसको पुनः फिर जो भी समारोह पहले होता था उसको शुरू करने के लिए हमने दिया। होलिका दहन की परंपरा से जुड़ी पूर्णिया के इस ऐतिहासिक स्थल पर हर वर्ष विदेशी सैलानी आते हैं और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। तो पूर्णिया की प्राचीन होली के बाद अब आपको बिहार के बनगांव में मनाई जाने वाली घुमोर होली दिखाते हैं। पूरे देश में होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। देश के कई हिस्सों में खास अंदाज में होली की मनाने की परंपरा है, लेकिन सबसे अलग सहरसा जिले के बनगांव की होली है जो कि काफी प्रसिद्ध है। यहाँ सामूहिक हुड़दंगी घुमोर होली का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आपने ब्रज वृंदावन और बरसाने की मनोरंजक और यादगार होली तो जरूर देखी होगी, लेकिन हम आपको बिहार के सहरसा गांव के बनगांव में 18वीं शताब्दी से मनाई जाने वाली सामूहिक हुड़दंगी घुमोर होली का अद्भुत नजारा दिखाने जा रहे हैं, जहां हजारों की तादाद में विभिन्न गांवों के लोग एक जगह जमा होकर रंगों में डुबकियां लगाते हैं। बिहार के बनगांव में मनी घुमोर होली ब्रज की होली से कम महत्व नहीं है उसका।
बनगांव की घुमोर होली की अपनी खास पहचान है। होली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली इस होली को लेकर वहां उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। बिहार के बनगांव में मनाई जाने वाली घुमोर होली की अपनी अलग पहचान है। इसमें लोग एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर उठा पटक करके होली मनाते हैं। घुमोर होली का त्योहार होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। ये ब्रज की लठमार होली की तरह ही प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के काल से ही चली आ रही परंपरा। बिहार के कोशी प्रमंडलीय मुख्यालय से सटी एक प्रखंड है कहारा। इसके एक गांव बनगांव की अपनी सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ की घुमोर होली इसी की एक कड़ी है। मान्यता है कि इसकी परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से चली आ रही है। वर्तमान में खेले जाने वाले होली का स्वरूप 18वीं सदी में यहाँ के प्रसिद्ध संत लक्ष्मीनाथ गोसाई ने तय किया था। अद्भुत होता है होली का दृश्य। इस होली का दृश्य अद्भुत होता है। युवा दो भागों में बांटकर खुले बदन गांव में घूमकर होली खेलते हैं। गांव के निर्धारित पांचों स्थलों पर होली खेलने के बाद वे जैर की शक्ल में भगवती स्थान पहुंचते हैं। वहां वे गांव की सबसे ऊंची मानव श्रृंखला बनाई जाती है। पुरुषों की हुड़दंगी होली। बनगांव की होली काफी खास है। भगवती स्थान के पास इमारतों पर रंग बिरंगे पानी के फवारे भी लगाए जाते हैं। इनके नीचे लोग एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर मानव श्रृंखला बनाते हैं। इस बीच जगह जगह गांव के घरों के झरोखे से महिलाएं भी रंग उड़ेलती हैं। बनगांव एक प्राचीन गांव है और इस प्राचीन गांव में होली की परंपरा बहुत लंबे अरसों से रहे हैं, लेकिन इसमें लक्ष्मीनाथ गोसाई जो एक मिथिला के बड़े भक्त और साधु पुरुष थे, तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाए और परिवर्तन लाने के बाद जो शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं कि होला पर्व जो होली के नाम से अभी जाना जाता है, तो उसके संबंध में उन्होंने कहा कि होली का कर्तव्य इस पर्व को या किसी भी पर्व को मनाने का उद्देश्य यह होना चाहिए सामाजिक सामरस्य। वर्णों की जो होली होती है उसमें सभी वर्णों के, सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के लोगों की सहभागिता होती है और लोग एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर इस पर्व को मनाते हैं। रंगोल्लास, खुशी, हंसी, इन सारे चीज़ों का समावेश होता है। होली की असली हुड़दंग दोपहर बाद टोलियों के माता भगवती के मंदिर पर जमा होने के बाद होती है। खास तौर से पुरुषों द्वारा हुड़दंगी होली खेली जाती है। मानव श्रृंखला बनाकर होली खेलने तथा शक्ति प्रदर्शन के बाद बाबा जी कुटी में होली समाप्त हो जाता है। होली का नाम सुनते ही लोगों के ऊपर रंगों का खुमार चढ़ने लगता है और बनगांव की होली तो हमने देखी ही है। पूर्णिया और बनगांव की होली के बाद अब चलते हैं समस्तीपुर की ओर और जानते हैं क्या है खास समस्तीपुर के फगुआ में। वैसे तो होली की शुरुआत वसंत ऋतु के आगमन से ही हो जाती है। रंगों के त्योहार होली की ऐसी उमंग होती है जहां लोग उम्र की सीमा भूल जाते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी रंगों में ऐसा खोते हैं कि लगातार दो तीन दिनों तक रंग उतरने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा ही एक नजारा बिहार के समस्तीपुर के रुसरा अनुमंडल क्षेत्र के बिरहा की है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। समस्तीपुर जिले के भिरहा गांव के लोगों को होली का इंतजार रहता है क्योंकि यहां की होली काफी खास होती है। इस होली में मजहब, समुदाय, जाति, धर्म सारी दीवारें खत्म कर दी जाती है और रंगों के त्योहार को अनोखी होली काफी प्रसिद्ध है। वृंदावन से यहां की होली की तुलना होती है।
इस होली की तैयारी आखिरी चरण में सभी समुदाय से चंदा इकट्ठा करके होती है। रंग बिरंगी लाइटों से पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सबसे बड़ी खासियत इस होली की ये है कि यहाँ गांव के तीन टोलों में होली का उत्सव काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है। इसे हर उम्र के लोग खुलकर होली मनाते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात होती है हजारों की भीड़ में कहीं भी एक भी सुरक्षा कर्मी पुलिस वाला नजर नहीं आता। यूं कहें तो इस सामाजिक सौहार्द का प्रतीक होली के इस त्योहार रंगों के उनामद के बीच सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन की संध्या से ही पूरब पश्चिम एवं उत्तर टोले में निर्धारित स्थानों पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जारी रहता है। देश भर के अलग अलग जगहों से आए मशहूर बैंड पार्टी के बीच कंपटीशन होता है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस दौरान क्षेत्र के हजारों लोग उपस्थित रहते हैं। बड़े बड़े तोरण द्वारा और चमचमाते रोशनी के बीच संपूर्ण गाँव में पूरी रात जगमगाहट रहता है। नृत्य का आनंद लेने के पश्चात तीनों टोली दोपहर बाद गांव में स्थित फगुआ पोखर पहुंचते हैं, जहां पूरे गांव के रंगों की पिचकारी से पोखर का पानी को गुलाबी रंग किया जाता है। इसके पश्चात गाने की धुन पर एक दूसरे को रंग डालकर जश्न मनाते हैं। बिरहा की होली न सिर्फ मिथिलांचल में बल्कि प्रदेश स्तर पर इसकी एक अलग ही पहचान है। तो ये थी अपने अनोखे अंदाज में फगुआ के कई रंग समेटे बिहार की होली। बहुत ही अनोखे अंदाज की ये फगुआ आपको भी बहुत पसंद आई होगी। तो सुरक्षित होली मनाइए और अपना बहुत ख्याल रखिए। एक बार फिर से आप सभी को नेटवर्क 10 परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।